मैं डीटी न्यूज के लिए सुभाष चौधरी कटिहार से एनडीए प्रत्याशी जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी जी का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। बताइए दुलाल जी, आपको इस चुनाव में कटिहार से खड़ा किया गया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो नमस्कार करते हैं। कटिहार से एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है, इसके लिए अपने सभी आदरणीय नेताओं को हम लोग आभार प्रकट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कटिहार जिला के गांव, गरीब, किसान और पूरा जिला वासियों में एनडीए का प्रत्याशी बनाने से खुशी भी है और वो खुशी का लहर प्रवर्तित भी हो रहा है। हम कटिहार जिला के प्रखंडों में, विभिन्न गांव पंचायतों में जा रहे हैं, लोगों में खुशी की लहर है कि गांव गरीब किसान का बेटा को टिकट दिया है। और सब लोग, समाज के सभी वर्गों के लोग, चाहे वो अकलियत समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सिख हो, ईसाई हो, समाज के सभी वर्गों में खुशी है। और लोग चाह रहे हैं कि इसको एक बार अवसर में बदलें और कटिहार का विकास के लिए, कटिहार में प्रेम भाईचारा के लिए जो है एनडीए प्रत्याशी दुलाल गोस्वामी को साथ देना है। लोगों का ये बहुत अच्छा प्रतिक्रिया है। आपको इस चुनाव में किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा तो साफ है, देश का सुरक्षा, देश की शांति के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, हिंदुस्तान को जो दुनिया के पटल पर जो एक मजबूती प्रदान की है उन्होंने, इतना ही नहीं ग्राउंड लेवल पर उन्होंने जो आम गरीब, मजदूर, किसान, महिला, स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छता, इन विभिन्न मुद्दों पर जो उन्होंने काम किया, उसका जबरदस्त फ्लो है लोगों में, पूरे देश में, कटिहार में भी। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो गली नली एजुकेशन पर बिहार में जो विकास किया है, और हम लोग का मुद्दा क्या रखा, दोनों विकास पुरुष ने जो काम किया है उसी को लेकर के हम लोग गाँव घर में चल रहे हैं। और लोग हमसे पहले लोग तैयार हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी को वोट देना है। हम तो केवल उनके बाहक के रूप में उनके बातों को लेकर के चल रहे हैं, लोगों में खुशी है। कटिहार की ज्वलंत समस्याओं के बारे में आप बताएं। यहाँ पर उद्योग विहीन जो है कटिहार हो गया है। एक समय था कि उद्योग के लिए जाना जाता था, और आज जो है दो दो जूट मिल बंद है, दो दो फ्लावर मिल बंद है। इसके बारे में आपकी डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं किया, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, NGMC से जो चलता है जूट मिल, RBMH, हम लेबर मिनिस्टर थे तो उसमें फंड दिलाए थे, और 3 जूट मिल चलता था 2015 में हिंदुस्तान में, किंग्स लेक खदरा जो बंगाल में है, RBMH कटिहार में, किसी से पूछ लीजिए, और फिर उस संगठन के लोगों से। और हमने, संतोष गंगवार जी मंत्री थे, तीनों जूट मिल को लगभग 158 करोड़ रुपया दिया गया, जूट मिल चला। लेकिन उस समय के मंत्री ने कहा कि अगर इसका प्रबंधन सही से नहीं हुआ तो आगे इसका नुकसान होगा। जूट मिल बंद है तो कोई मेरे कारण से बंद नहीं है, और जूट मिल बंद है तो इसको चालू कराने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, आगे अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा तो उस दिशा में काम करेंगे। हमको कटिहार का, कटिहार औद्योगिक नगरी रहा है, कटिहार का गौरवमय इतिहास रहा है, अब जनता मौका देगी तो इसको पुनर्स्थापित करने का अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। अभी चुनाव के मौके पर हैं, हम निवेदन करके सभी लोगों से चाहेंगे कि विश्वास करिए, एक बार NDA को का जो 3 निशान है उस पर मत दीजिए, हमको जिताइए, हम आपके लिए काम करेंगे। और कटिहार का मुख्य संदेश है, कटिहार में भाईचारा, प्रेम, शांति, सौहार्द से कटिहार का विकास करने का संकल्प लेके चले हैं, और इसी संकल्प के साथ हम आगे का लड़ाई लड़ रहे हैं। गोस्वामी जी, मेरा अंतिम प्रश्न है कि कटिहार जो है हमेशा कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से, कभी कटाव से, ये हमेशा जो है जूझता रहा है,
इसके बारे में विस्थापित परिवारों के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, कटिहार नदियों से घिरा हुआ है, गंगा है, महानंदा है, कोसी है, गंडक है, ये काली कोसी है, नागर है, सुधानी है, तो ढेर सारी नदियां हैं। प्रकृति पर किसी को कंट्रोल नहीं है, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि फ्लड का, तो फ्लड के बाद तो सरकार ने वैसा कर दिया है कि राहत सीधे पहुँच रहा है, लेकिन उसमें जो कटाव और बचाव, तो कटाव पीड़ितों का समस्या कुछ है पहले से ही, तो कटाव पीड़ितों का समस्या हम लोग के नज़र में है, आने वाला समय में हम लोग उसको करेंगे। और पूरा विश्वास के साथ कि जो मनियारी, अहमदाबाद, बराड़ी या फिर कदवा या आजमनगर का कुछ पार्ट में जो विस्थापित परिवार है या फिर ऐसे भूमिहीन विस्थापित परिवार है, उसके लिए पूरा भारत सरकार और बिहार सरकार से बात करके और उसका पुनर्स्थापन का भी हम लोग प्रयास करेंगे और नदी का कटाव निरोधी कार्य के लिए भी हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं DT न्यूज के लिए सुभाष चौधरी कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी जी का सीधा प्रसारण किया जा रहा था। धन्यवाद।